आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस सेशन में, उस सेशन में हम लोग सेल कोटेशन और ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमें जानना है सर, सेल कोटेशन होती क्या है और किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोग सभी किसी लैपटॉप परचेस करने जाओगे, सबसे पहले आप लैपटॉप परचेस नहीं करते, उसके बारे में जानते हैं क्या स्क्रीन है, कितने GB रैम है, कितनी हार्ड डिस्क है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, विंडो कौन सी मिलेगी। वो आपको एक बिल बना के देता है, बिल के ऊपर लिखा होता है परफॉर्मा। क्या लिखा होता है बिल के ऊपर? परफॉर्मा। ये सेल नहीं है, एक खाली बिल का मतलब फॉर्मेट है परफॉर्मा, उसे बोलते हैं सेल कोटेशन। किस चीज़ की किसी को इन्फॉर्मेशन देना वो कहलाती है कोटेशन। क्या कहलाती है आपकी? कोटेशन कहलाती है। किस चीज़ की किसी को इन्फॉर्मेशन देना वो सेल कोटेशन कहलाती है। ठीक है, हम लोग बिजी के अंदर चाहते हैं। अब होता क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर वो उस बंदे को सेल का बिल ही बना के दे देंगे और उसने कहा सर मुझे बाद में लेना नहीं है, तो उसके लिए तो बिल नंबर चेंज हो जाएगा। अगर नंबर कंटिन्यू चला है 1 2 3 4 5 तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बिल के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहता। वो कहता है आप नहीं दे रहे, नहीं खरीदते, कोई दिक्कत नहीं, फाड़ दो, मेरे पास तो परफॉर्म आए, एक तरह की रफ कॉपी है। तो उस टॉपिक को अनेबल करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? अगर कोटेशन चाहिए आपको तो मिलती अनेबल कोटेशन, इसको अनेबल कर लो। एंड देन एक ऐसी होती है परचेज कोटेशन, इसको सेव। जैसे आप इस टॉपिक को सेव करोगे आपकी स्क्रीन पर ट्रांजेक्शन में दो टॉपिक टॉप पर ही मिलेंगे, जिसका नाम होता है सेल कोटेशन और परचेज कोटेशन। मैं यहाँ गया और मैंने एक कंप्यूटर परचेज करा, ठीक है, पार्टी का नाम बीजी इन्फोटेक, माल खरीदना है तो परचेज कोटेशन होगी। मैंने डायरेक्ट माल खरीदा नहीं, पहले उनके पास गया, उसके लिए प्रोसेसर दिया और बीजी वाले ने मुझे एक, ठीक है, टॉपिक दिया। जैसे कि बीजी वाले ने बोला सर हमारे पास एक नया सॉफ्टवेयर आया है बीजी, ठीक है, 18.2.2, ये टॉपिक फीचर बताया हमें और हमने कहा ठीक है सर। उसके बाद उन्होंने 18% टैक्स रेट, पूरी तरीके का एक बिल बनाकर दिया हमें, जैसा उनका बिल होता है। बिल मेरे पास आया, पहले डिस्क्रिप्शन आ गई क्या क्या है, इसे लिखा है ऑल GST 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6 ईवे बिल, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन, आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गई है बिजी के अंदर, ठीक है, और एक आपके सुना होगा BDEP, बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। आपको याद होगा जब आप लोगों ने जनरल फ्यूचर के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट करा जिसका नाम होता है BDEP, तो ये फ्यूचर आया तो आप यहाँ डाल सकते हो BEDP डाल के सेव। देखो बाकी इन्फॉर्मेशन आ गई, कितनी पीस हमने 10 पीस खरीदा, तो टोटल बिल कितने का बन जाएगा? 1,35,000 रुपये का, ठीक है। हमने बिजी से कहा सर हमें SMS सर्विस भी चाहिए, क्या चाहिए? SMS, तो वो बिजी वाले हमें SMS देते हैं। यूनिट हमें हमने क्या बना लिया? SMS यूनिट, ठीक है, समझ आ रहा है? यूनिट हमने क्या रख दी? SMS रख दी। वैसे आती नहीं SMS, हमारे लिए अल्टरनेट यूनिट पीस डाल देते हैं। हमने 18% टैक्स लगाया 960 और उन्होंने कहा कि सर एक पैसे जो आपको SMS मिलेगा वो 8 पैसे का एक SMS मिलेगा। हमने कहा अगर हमें 1,00,000 SMS लेना चाहते हैं तो उन्होंने 1,00,000 SMS बता दी 40 पैसे, ठीक है, 4,000 रुपये के आपको 1,00,000 SMS पड़ेंगे। और भी बिजी ने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, हमने इस चीज़ को लिया और सेव कर दिया और हम चले गए घर। क्लियर, हम आए, हमने अपने सीनियर को दिखाया, उन्होंने कहा बिल ठीक है आप उनसे बिल मंगवा लो। तो उन्होंने मुझे क्या दिया? जस्ट लाइक परफॉर्मा दिया। अगर मैं उनको अगर वो ये सेल की कंपनी होती और अगर आप उनका बिल देखते तो उनके बिल पे लिखा होता परचेस कोटेशन। क्या लिखी हुई? परचेस कोटेशन। ये एक वैलिड बिल नहीं, एक तरीके की रफ कॉपी, आपको ये बस दिया गया है इंटीमेट यूज़ करने के लिए और ये सारी चीज़ें यहाँ आ रही हैं, इसे बोलते हैं जस्ट लाइक परफॉर्मा, ठीक है। अब आप लोग कहते हैं सर हम लोगों को, ठीक है हम लोगों को समझ आ गया, आप मुझे बिल दे दो। आप फिर जाओगे सेल के अंदर, वह वो आपको बिल देगा, वही सेम नंबर का बिल, वही टैक्स कैटेगरी लगाकर बिजी इन्फोटेक्स सेलेक्ट करेगा। अब आपको कुछ और नहीं करना, अपने कीबोर्ड पर F11 बटन दबाना है। जैसे F11 बटन दबाओगे तो ऊपर लिख के आ जाएगा सिलेक्ट पेंडिंग कोटेशन टू पिक द आइटम्स, इसको सिलेक्ट करो और F2 करो, वही डिस्क्रिप्शन वही सब चीज़ें आ जाएंगी।
सर कहाँ डिस्क्रिप्शन आई? आप तो कहते हैं डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, तो कहाँ जाओ? वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ से क्या कर दो, डिस्क्रिप्शन को इनेबल कर लो, चार रख दो, पहले GST, दूसरा ईवे बिल, ठीक है, ऐप और BDEP, इसको सेव कर दो। अब नेक्स्ट टाइम आओ बाहर और दोबारा जब आप इन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 18% बिजी इन्फोटेक, F11, अब तो कोई कोटेशन नहीं है, PG थी, मैं यही दिखाना चाहता क्योंकि पार्टी का नाम आपका गलत था। अब F11 करी, स्पेस दबाया और F2 कर दिया, माउस का यूज़ कम से कम करेंगे, एंटर मारोगे तो वह एप्लीकेशन की नॉलेज ही उठ के आ गई आपके सामने। अब पार्टी डिफरेंस होगी तो कोटेशन क्यों आएगी, वो भी लेट करती है ना, इसके बाद उसको सेव कर दो या F4 करके टैक्स लगा दो। सर हमने बोला कि हमें पूरी कोटेशन नहीं चाहिए, आप हमें 8 पीस सेंड कर दो, हमने इसको सेव कर दिया। क्लियर है? किसी को ये पता करना है कि हमारी दो कोटेशन, कितनी कोटेशन अभी पेंडिंग है या कितनी पीस आने बाकी है, तो कहाँ जाओगे? कोटेशन प्रोसेसिंग के अंदर आओगे, पेंडिंग कोटेशन, ठीक है, पार्टी वाइज वन पार्टी ऑल आइटम एंड पार्टी नेम इज बिजी इन्फोटेक, यहाँ से देख लो सर, बिल नंबर 3 के अगेंस्ट अभी बिजी के पास उसने 10 की कोटेशन दी थी, 2 पेंडिंग है। क्लियर है? यहाँ से कर सकते हो। आप कह दो कि हमें और नहीं चाहिए बिजी सॉफ्टवेयर से, तो अपने कीबोर्ड पर जाकर F4 बटन दबा दोगे, F4 करोगे तो पूछ रहा है कि सर आपको और नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख दो कि सर नीड नहीं है, रिमार्क जो भी आपको चाहिए, कैंसिलेशन एनीथिंग जो भी लिख के इसको सेव करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है? सर सपोज करो सर उसने कहा कि आप एक क्वांटिटी पर मतलब एक पीस लेना चाहता हूँ मैं, और मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ उस पार्टी का नाम टाइप करा बिजी इन्फोटेक, फिर मैंने F11 दबाया, पिक करा, तो खाली 2 पीस आएंगी, SMS वाला नहीं आएगा क्योंकि SMS की क्वांटिटी पूरी हो गई थी, अगर SMS की क्वांटिटी बची होती तो वहाँ पर शो कर देते। क्लियर है? जब पार्टी हमें कॉल करती है ऑनलाइन तो कहती हैं सर हमें बिजी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, 4 PC बिजी लगवाने, 4 PC लगवाना है, एक स्कैनर मशीन चाहिए, एक बारकोड मशीन चाहिए, एक रोल चाहिए, एक क्विक हिट चाहिए, और मुझे ये चीज़ें चाहिए। वो कहते सर बिल नहीं, हमें कोटेशन दे दो, कितने का बिल बनेगा? अभी पीछे एक पार्टी ने मुझे कहा कि सर मुझे बिल चाहिए और ये आइटम, तो उसका बिल बना 1,45,000 रुपये, तो उस बिल को वो देखेगा, जो चीज़ें उसे कम करनी होगी वो कम करवाएगा, जो जो चीज़ ज़्यादा करनी होगी वो ज़्यादा करवाएगा, किसी रेट के बारे में आर्गूमेंट करेगा, उस रेट के बारे में उससे डिस्कस करेगा, देन उसे कहते हैं परफॉर्मर। क्लियर है? जस्ट लाइक आपने अगर परचेस का सीख लिया तो यही आपके लिए सेल का है, और अगर आप इनकी रिपोर्टें निकालना चाहते हैं तो आपको मिलेगी पेंडिंग कोटेशन, इसके अंदर आपको आइटम वाइज ही मिल जाएगी और पार्टी वाइज ही मिल जाएगी। ऐसी होती है कोटेशन की स्टेटमेंट देखनी है तो यहाँ से स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, डेट वाइज किसी कोटेशन की, पार्टी का नाम बिजी, ऑल आइटम की, तो यहाँ से पूरी कोटेशन आपके सामने खुल के आ जाएगी। क्लियर है? 1 लाख थे, 1 लाख थे, क्लियर हो गया, इसके 10 थे, 8 आ गए, 2 अभी पेंडिंग बचे, और मेन लोकेशन क्या थी? SMS थी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर आपको कोई इंक्लूडिंग चाहिए सब आपको रिपोर्ट में शो कर देगा, ठीक है, एडजस्ट कब हो वो सब मैसेज आ जाएगा। साथ साथ आपको ऑप्शनल फील्ड भी देखने, तो यहाँ से ऑप्शनल फील्ड भी देख सकते हैं, जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट डिटेल क्या थी वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कोटेशन? कोटेशन के साथ साथ अगर मैं एक टॉपिक आज और डिस्कस करूं तो वो टॉपिक बुरा नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, जिसका नाम है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? जस्ट लाइक ये कोटेशन था, किसी को इन्फॉर्मेशन देना, सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर का यूज़ होता है, माल खरीदने से पहले पार्टी के साथ हमारी डीलिंग काफ़ी अच्छी चलती है, हम कहते हैं सर 1 लाख पीस दे दो, मेरा ऑर्डर लिख लो, तो आप देखोगे ट्रांजेक्शन पर एक टॉपिक खुल के आ जाएगा सेल ऑर्डर, ये कोटेशन नहीं है, एक तरीके का ऑर्डर है, पार्टी आती कहती सर मेरा ऑर्डर लिख लो, अब मैं कॉपी लेके बैठूँ उनका ऑर्डर लिखूँ वो तो गलत है, मैं कहता हूँ सर बताइए क्या क्या आइटम है आपकी भेजनी, तो उसने कहा सर आइटम लिख लीजिए, उसने बोला सर एक बिजी का सॉफ्टवेयर सेल कर देना मेरे को, बिजी का सॉफ्टवेयर, उसने बोला सर एक बिजी का सॉफ्टवेयर सेल कर देना, एक SMS दे देना 10,000, हमने कहा सर 4 रुपये के लगेंगे वो SMS, एक SMS सर उसने कहा मतलब फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए, तो हमने बोला सर वो 6 रुपये के पड़ेंगे आपको, ये 3 बन गए, हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है, ऑर्डर दे गया, खाली दे गया,
फिर 10 तारीख को वो आया पार्टी, उसने एक और ऑर्डर डाल दिया हमें, क्या नाम ले रहे थे हम लोग पार्टी का, वो आया पार्टी उसने बोला सर बिजी का हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, हमने बोला ठीक है सर आप एक सॉफ्टवेयर ले जाओ, उसने बोला सर एक SMS दे देना हमें 5,000, ठीक है, हमने बोला सर 10 रुपये के लगे आप बहुत थोड़े ले रहे हो, उसने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, और हमने सेव कर दिया। 4 दिन में पार्टी 20 तारीख को फ़ोन करके कहती सर हमारा माल निकाल दो, तो हम 20 तारीख को गए, हमने कहा सर आपका माल आ गया रेडी है आप ले लो, हमने इस पार्टी का नाम टाइप करा F11 करा और जितने ऑर्डर होंगे सब आ जाएंगे, हाँ हो सकता है हमने 2 पार्टी यूज़ कर ली हैं, ठीक है, इसमें देखें तो हमारी कौन सी पार्टी थी, ओके करें तो इसमें वही आ रही है एक 5,000 वाली हो रही है, क्लियर है, इसको सेव कर दो, सेव हो गई। लेकिन हम कुछ कम करें तो कम भी कर सकते हैं, पूरा माल इसका नहीं आया थोड़ा पेंडिंग बचा है, और ऑर्डर मिलता है ना 1-1 लाख पीस का, लेकिन एक बार में हम 1 लाख पीस को देते हैं, किसी में 60,000 दे दें, किसी में 40,000 देते हैं, किसी में 20,000 देते हैं, किसी में 30,000, हो सकता है तो कभी कभी हम पूरा भी दे दें, ऐसा नहीं है, हम इसको सेव कर देंगे, सेफ हो गया, क्लियर हो गया, समझ आ गया। उसके बाद अगर मैं बिजी की जाऊँ रिपोर्ट पर, तो यहाँ पर हमें एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम होता है अनेबल ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर आओगे नीचे मिलता है आपको पेंडिंग ऑर्डर्स, सेल वाली पार्टी का या परचेज वाली पार्टी का, मैंने बोला सेल वाली पार्टी का, 1 पार्टी ऑल आइटम, पार्टी का नाम बिजी इन्फोटेक, और जैसे ही मैं करूँगा तो मुझे बता देगा सर हमारे कितने ऑर्डर अभी पेंडिंग है या रिमेनिंग, क्लियर है, यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोटेशन की तरह, कोटेशन के अंदर किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए होती है और उसके अंदर किसी का बिल लिखने होता है। याद रखना कभी भी सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर, सेल कोटेशन और परचेज कोटेशन आपके स्टॉक में कोई फर्क नहीं डालते, ये एक तरह की रफ कॉपी होती है, आप कहीं लिखने के लिए कहीं किसी दूसरी चीज़ का यूज़ मत कीजिए, यहीं यूज़ कर लीजिए। अगर आप मैं बिजी SMS दिखाऊं, तो देखो SMS अभी भी 10,000 सेल हुए हैं, बाकी 99 बचे, लेकिन अगर आप सेल कोटेशन निकालोगे तो हमने एक बार 10,000 दिए थे, एक बार 5,000 दिए थे, लेकिन उसमें सेल कितने हुए 1,000 हुए, तो हमारे स्टॉक में कौन सी क्वांटिटी डालती है जो एक्चुअल में सेल और परचेज होते हैं, ये मैटर नहीं करता कि कोटेशन कितनी है, क्योंकि वो एक जस्ट लाइक रफ कॉपी की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये अगर मैं कभी टेस्ट लूँ इन फ्यूचर तो कोटेशन या ऑर्डर में से किसी एक चीज़ को जरूर पिक करते हैं, क्योंकि पावरफुल टॉपिकों में से आते हैं। एक छोटी कंपनी का ऑर्डर प्रोसेसिंग का चलता है, सर मेरी 1 लाख पीस का ऑर्डर आप लिख लो, इलेक्ट्रिक अगर आप गारमेंट की लाइन छोड़ के किसी भी दूसरी लाइन में जाए तो कोटेशन का चलता है। पहले बड़ी बड़ी कंपनी डायरेक्ट माल नहीं भेजती, पहले उनको ऑर्डर देती हैं, PO नंबर देती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाओ तो बनती है PO परचेज ऑर्डर, और सेल ऑर्डर की बनती है SO सेल ऑर्डर। गारमेंट की कर सकता हूँ, ज़्यादा कम नहीं होता, लेकिन जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, वो लोग डायरेक्ट माल नहीं खरीदेंगे कभी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्डर देंगे, उसके बाद ही वो माल खरीदते हैं, क्योंकि उनका जो माल रिसीव होता है वो उनके PO नंबर के हिसाब से होता है। किसी जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सर आपका PO नंबर क्या है, मतलब PO क्या होता है, तो आप बोलोगे सर परचेज ऑर्डर, SO क्या होता है सेल ऑर्डर, क्लियर है। ये बस यार ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ इनका रिविज़न ज़रूर करना, बाकी कल हमारा इन्वेंट्री कोशिश है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इन्वेंट्री के बाद बाकी कोई टॉपिक यस और नो वाले रह गए, ये जो मेन टॉपिक थे यही थोड़ा परेशान करने वाले, बाकी सारे टॉपिक नॉर्मल है, 1-1 मिनट के अंदर वो टॉपिक फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद आपका ना तो मुझे GST वैट कराना है, ना एक्साइज कराना, ना मुझे सर्विस टैक्स कराना, क्योंकि ये सभी बंद हो गए। हाँ मुझे GST के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ, जैसे ऑटोमेटिक ई बिल कैसे बनता है, ठीक है, ई बिल की कन्फिगेशन क्या होती हैं, अब तो ऑटोमेटिक ई बिल आगे बटन के साथ बनता है,